तो दोस्तों हाइड यू एक्स जो कैलकुलेटर लॉक ऐप है जिसमें आप फोटो वीडियो हाइड करते हो, इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। कभी ना कभी आपने ऐप्स को भी हाइड किया होगा। अगर आपने ऐप्स को हाइड किया होगा तो यहाँ पर आपको एक लॉन्चर मिल जाता है इसका, ठीक है। तो ये जो लॉन्चर होता है कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता और वो इसको रिमूव नहीं कर पाते। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप इस लॉन्चर को कैसे आप रिमूव कर सकते हो। कंप्लीट जानकारी के बाद बताऊंगा, तो आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना है। उसके पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना जो कैलकुलेटर हाइड ऐप है उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको अपना जो पासवर्ड आपने लगाया था वो एंटर कर देना है। एंड यहाँ पर आपको पहले डाटा मैं ऑफ कर देता हूँ ताकि जो डेटा होता है ना उसके कारण एड्स बहुत आती हैं यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर ब्राउज़र के आइकन पर क्लिक करना है, देन आपके पास फिर से ऐड आ गई। सॉरी, ये लोड जो ऐड का होता है वो पहले ही हो गया होगा। तो पहले मैं इस ऐड को देख लेता हूँ। ऐड को देखने के बाद दोस्तों हमें फिर से यहाँ पर पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। देन ये पहले वाली ऐड ही चल रही है तो इसको कट कर दिया। कट करने के बाद दोस्तों फिर से यहाँ पर ये एड्स का बहुत पंगा होता है इसमें, तो यहाँ पर एक बार फिर से हमें करना पड़ेगा। तो ऐड यहाँ पर जो है इसको अगर आप रिमूव करना चाहते हो तो इसका आपको प्रो वर्जन लेना पड़ता है। तो ये इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले आपको बताता हूँ लॉन्चर को कैसे हटाना है आपको। तो इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा हाइड ऐप्स का, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको ऊपर सबसे ऊपर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा रिस्टोर द ओरिजिनल होम पेज, ठीक है, होम ऐप सॉरी। तो यहाँ पर चेंज होम ऐप पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको सिस्टम क्लिक कर देना है। तो आपका जो लॉन्चर है वो बदल जाएगा एक मिनट में, जो आपका पहले वाला लॉन्चर था उसी तरह से आप अपने मोबाइल को यूज़ कर पाओगे। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।